Hello students, today we will be continuing chapter 13, standard 9, why do we fall ill? Okay, so we were on the topic of organ specific and tissue specific manifestation. अब अपन ये पढ़ रहे हैं जो अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग तरीके से बॉडी में आते हैं और अलग अलग जगह अपना घर बना देते हैं. जो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपन पढ़ रहे हैं जो इन्फेक्शन फैलाते हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में आते हैं और अलग अलग ऑर्गन में अपना घर बना देते हैं, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग टिश्यूज को अपना होम बना देते हैं. अब कौन से टिश्यू को वो अपना होम बनाएंगे वो डिपेंड करता है देयर पॉइंट ऑफ एंट्री की वो आ कहां से रहे. जैसे जो एयर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, वो नोज में जाते हैं. नोज से कहां पे जाते हैं? लंग्स में. जैसे जो एयर होती है, एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एयर के वाया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहां जाते हैं? नोज में. एयर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां जाते हैं? नोज में. हम इनहेल करते हैं और नोज से जाते हैं लंग्स में. ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ एंट्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या थी? नोज. नोज से जाके लंग्स में जा रहे हैं. ये कौन से यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नोज से लंग्स में जाते हैं? यूजुअली जो बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस फैलाता है वो ऐसे ट्यूबरकुलोसिस फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में होते हैं और जब वो नोज से वाया लंग्स जाते हैं. ठीक है, ओके. अगर आप वो माउथ से एंटर करें, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म माउथ से एंटर करे तो वो अपनी गट लाइनिंग में रहेंगे और गट लाइनिंग में रहने के बाद वो अलग अलग बीमारियां फैलाएंगे. ठीक है, मतलब माउथ से एंटर करके वो गट लाइनिंग में रहते हैं और बीमारियां फैलाते हैं. ये कौन से यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? ये ऐसा बैक्टीरिया यूजुअली जो टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है वो यूजुअली माउथ से एंटर करके गट लाइनिंग में रहते हैं. अब कुछ कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लीवर से एंटर होते हैं, लीवर से एंटर होते हैं. जैसे जॉन्डिस, जॉन्डिस का जो वायरस है वो कहां पे एंटर होता है? लिवर में जाता है. ठीक है, ओके. तो बेसिकली अपन ने अभी तक इतना पढ़ा कि जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में आके अलग अलग जगह अपना घर बना देते हैं, मतलब अलग अलग जगह रहते हैं. अब कहाँ पे रहने वाले, कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करने वाले, वो डिपेंड करते हैं उनकी पॉइंट ऑफ एंट्री कहां से, मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर कौन से पॉइंट से आ रहे हैं. तो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा में है, एयर में है, और वो हम उसको नोज से वो एंटर होकर लंग्स में जाते हैं. कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस, मतलब वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसे बैक्टीरिया जिससे ट्यूबरकुलोसिस होता है, वो कहां से एंटर करते हैं? नोज से एंटर करके लंग्स में जाते हैं. कुछ कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बेसिकली गट से जाते हैं, गट माउथ से आते हैं और अपने गट लाइनिंग में रहते हैं. ये टाइफाइड का एग्जांपल दिया, जो टाइफाइड फैलाने वाला बैक्टीरिया होता है वो माउथ से गट में जाते हैं. कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिवर में जाते हैं, जैसे एक ऐसा वायरस है जिसे जॉन्डिस होता है वो डायरेक्टली कहां जाता है? लिवर में जाता है. अब कुछ कुछ ऐसा जैसे एचआईवी जो इंफेक्शन होता है, ठीक है, एचआईवी जो एड्स का वायरस होता है, एचआईवी क्या है? एड्स का वायरस. ठीक है, ये जो एड्स का वायरस होता है वो अपनी बॉडी में एंटर करता है बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. अब मैंने पढ़ाते हैं जो एड्स है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है. तो ये जो एड्स का वायरस है, दैट इज एचआईवी, वो बॉडी में कैसे आता है? थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आता है. और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से आकर जो लिम्फ वेसल होते हैं उसमें जाके पूरे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में वायरस को फैला देता है. तो इसका जो है अलग टाइप से फैला. जो अपने ट्यूबरकुलोसिस का पड़ा वो कैसे फैला? पहले नोज के बाया, नोज के नोज में गया, फिर लंग्स में गया और फिर लंग्स डैमेज किए. जॉन्डिस का अपने पड़ा लिवर डैमेज किया. और ये एड्स का वायरस कैसे एचआईवी, वो अपने बॉडी में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से आने के बाद लिम्फ वेसल से जाके पूरे बॉडी में वायरस को फैला देता है. ठीक है, ओके. अब जैसे मलेरिया कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपको पता है मलेरिया कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? अपन ने ऑलरेडी डिस्कस करा है. मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है. मैंने ना तभी बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है. तो जो मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ होता है, जो मलेरिया कॉजिंग मॉस्किटो, मलेरिया कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बॉडी में कैसे एंटर होते हैं? मॉस्किटो बाइट से. मॉस्किटो अपनी स्किन पे बाइट करता है और वो मलेरिया फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में चले जाते हैं. ठीक है, विल गो टू लीवर एंड देन रेड ब्लड सेल. और फिर अपने बॉडी से वो कहां जाएंगे? लिवर में जाएंगे. और लीवर से कहां जाएंगे? रेड ब्लड सेल में जाएंगे. और इस तरह से अपने को बीमार करते हैं. ठीक है, तो जो मलेरिया फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मॉस्किटो बाइट से अपने बॉडी में एंटर होकर पहले लीवर में जाते हैं और लीवर से रेड ब्लड सेल्स में जाते हैं. ठीक है, अब ऐसा एक वायरस है जिसे जापानीज एंसेफेलाइटिस या तो ब्रेन फीवर करके एक बीमारी होती है, ब्रेन फीवर, दिमाग का फीवर, ब्रेन फीवर. ये बीमारी फैलाने वाली जो वायरस है वो भी मॉस्किटो बाइट से आते हैं. मॉस्किटो बाइट से आके डायरेक्टली कहां चले जाते हैं? ब्रेन, और ब्रेन को असर करते हैं. ठीक है,
तो अपन ने अलग अलग चीजें पढ़ी, अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से आते हैं, मैं वापस समझा रही हूँ कहाँ से आते हैं। अपन ये पढ़े जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में आके अलग अलग ऑर्गन और अलग अलग टिश्यू में अपना घर बना लेते हैं। अब ये डिपेंड कैसे करते हैं कि वो कहाँ पे अपना घर बनाएंगे, डिपेंड करता है उनका पॉइंट ऑफ एंट्री का है। जैसे जो ट्यूबरक्लोसिस फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, और वो एयर से हम इनहेल करते हैं, नोज में आते हैं, और नोज से कहाँ पे आते हैं, लंग्स में आते हैं। कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे टाइफाइड फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, वो माउथ के थ्रू एंटर होते हैं। माउथ के थ्रू एंटर होते हैं, हमें गट लाइनिंग में जाके बीमार करते हैं। कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो लिवर में एंटर होते हैं, जैसे जॉन्डिस फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ कुछ ऐसे वायरसेस है, कुछ कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कैसे भी स्प्रेड हो सकते हैं, जैसे HIV जो वायरस है, जो एड्स का वायरस है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी जो वायरस है, ये वायरस बेसिकली बॉडी में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से आता है, लिम्फ वेसल में जाके पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब मलेरिया फैलाने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसा था, मॉस्किटो बाइट से आता है, मॉस्किटो बाइट से आके वो लीवर में जाता है, लिवर से जाता है वो रेड ब्लड सेल। फिर एक ब्रेन फीवर नाम की बीमारी है, वो भी कब होती है, जब मॉस्किटो बाइट करता है, वो मॉस्किटो बाइट से डायरेक्टली कहाँ चले जाते हैं, ब्रेन, वो ब्रेन को इफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली कोई भी बीमारी का क्या साइन या सिम्टम है वो डिपेंड करेगा कि वो कौन से टिश्यू और कौन से ऑर्गन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने टारगेट किया। कोई भी बीमारी का क्या साइन है, क्या उसके सिम्टम्स है, वो डिपेंड करता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो बीमारी फैला रहा है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कौन से ऑर्गन या कौन से टिश्यू को टारगेट किया। समझ नहीं आया, देखो बताती हूँ। जैसे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने लंग्स को टारगेट किया है तो क्या सिम्टम होंगे, कफ होने लगेगा, ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ होगी, क्योंकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्होंने किसको टारगेट किया, लंग्स को टारगेट किया, लंग्स को टारगेट किया है तो ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम होगी, कोल्ड होगी। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ब्रेन को टारगेट किया तो डायरेक्टली क्या होगा, हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगा, अनकॉन्शियस, फिट्स आएंगे, एकदम चक्कर, फिट्स और अनकॉन्शियसनेस बेचैनी होने लगेगी। ओके, तो यहाँ पे यही बात बोलिए कि कोई भी डिजीज का क्या सिम्टम है वो डिपेंड करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कौन से ऑर्गन या कौन से टिश्यू को टारगेट किया है। समझा, जैसे मैंने आपको बताया अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने लंग्स को टारगेट किया तो क्या सिम्टम होगा, कफ होने लगेगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, ब्रेथलेसनेस होने लगेगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ब्रेन को टारगेट किया तो क्या होगा, ब्रेन को टारगेट करेंगे तो हेडेक होने लगेगा, अनकॉन्शियसनेस फीलिंग आएगी, ये सारी प्रॉब्लम आएगी। तो जो भी बीमारी के सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कौन से ऑर्गन या कौन से टिश्यू को अटैक किया है। समझा, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, वी कैन इमेजिन व्हाट द सिम्टम्स एंड साइन ऑफ एन इन्फेक्शन विल बी इफ वी नो द टारगेट टिश्यू और ऑर्गेनिज्म एंड द फंक्शन दैट आर कैरीड आउट बाय टिश्यू। मतलब हमको पता चल सकता है कोई भी बीमारी की क्या सिम्टम्स है अगर अपन को पता हो कि वो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने कौन से ऑर्गन को टारगेट कर रहे हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने अभी आपको समझाया। ओके, तो बेसिकली अभी अपन ने ये किया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यू में अपना घर बना लेते हैं। वो कौन से ऑर्गन और कौन से टिश्यू में अपना घर बनाएंगे वो डिपेंड करता है उनकी पॉइंट ऑफ एंट्री क्या। जैसे कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में होते हैं वो नोज के वाया अपने लंग्स में जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया जो ट्यूबरक्लोसिस फैलाते हैं। कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माउथ के वाया गट लाइनिंग में जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया जो टाइफाइड फैलाते हैं। कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिवर में जाते हैं, जैसे वायरस जो जॉन्डिस फैलाते हैं। कुछ कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हो जाते हैं, जैसे HIV वायरस। HIV जो वायरस है, जो एड्स का वायरस है, वो अपने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, वो लिम्फ वेसल में जाके पूरी ब्लड बॉडी में फैल जाता है। मलेरिया फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मॉस्किटो बाइट से बॉडी में आके लिवर में जाते हैं, लीवर से जाते हैं वो रेड ब्लड सेल में। फिर ब्रेन फीवर नाम की बीमारी है, वो भी मॉस्किटो बाइट से होती है, वो जो मॉस्किटो बाइट से होती है और वो बैक्टीरिया, वो जो वायरस है बेसिकली वो डायरेक्ट ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। तो बेसिकली कोई भी बीमारी का क्या सिम्टम है वो डिपेंड करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कौन से पॉइंट को टारगेट किया है। ठीक है, अगर लंग्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने टारगेट किया तो कफ प्रॉब्लम होगी, सिम्टम कम हो पाया, ब्रेथलेसनेस हो जाएगा। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेन को टारगेट किया तो हेडेक होगा, वोमिटिंग होगा, अनकॉन्शियसनेस फील होगा। क्लियर हुआ? तो बेसिकली अगर आपको पता हो कि कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कौन से ऑर्गन या कौन से टिश्यू का इफेक्ट किया है तो आपको पता लग सकता है कि उस बीमारी का क्या सिम्टम है। क्लियर हुआ इतना? ओके, तो इतना मैं बोर्ड से गो थ्रू कराती, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीम टू हैव इवॉल्व टू होम ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, इन पार्ट द सिलेक्शन इज कनेक्टेड टू देयर पॉइंट ऑफ एंट्री। इफ दे एंटर फ्रॉम एयर वाया नोज, दे आर लाइकली टू गो टू लंग्स। अगर एयर से एंटर होते, नोज के होते थ्रू, तो वो लंग्स में जाएंगे।
This is seen in bacteria causing tuberculosis. If they enter through mouth, they can stain the gut lining like typhoid causing bacteria. अगर वो mouth से enter करते हैं तो वो gut lining में रहेंगे जैसे typhoid causing bacteria. Or they can go to the liver like viruses that causes jaundice. But this needn't always be the case. An infection like HIV that comes in a body via sexual contact will spread to lymph nodes all over the body. Malaria causing microorganism enter through a mosquito bite and will go to the liver and then to red blood cell. ये अपने already अभी पढ़ा. The viruses causing Japanese encephalitis or the brain fever will similarly enter through mosquito bite, but वो directly कहाँ पे जाएंगे? Brain. The sign and symptom of disease will thus depend upon the tissue or target which the microorganism is targeting. If the signs are the target, then the if the liver is if the lungs are the target. Then the symptom will be cough and breathlessness. If liver is a target, तो jaundice होने के chances है. If brain target है, तो headache होगा, vomiting होगा, unconsciousness. So we can imagine the symptoms and signs of an infection if we know the what the target or target tissue or organ is. मतलब हमको कोई भी बीमारी के symptoms पता चल सकते हैं अगर अपन को पता है कौन से organ या कौन से tissue को target किया है. In addition to this tissue, okay, ये जो last point है अपन करते हैं, फिर इधर तक clear कर लूँ. एक बार इसकी notes बना लूँ. ओके तो ऐसा बोला है कि अभी तक अपन ने पढ़ा कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो पर्टिकुलर टिश्यू या पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट करते हैं और उन पर्टिकुलर टिश्यू ऑर्गन में बीमारियां पैदा करते हैं. लेकिन एक टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट होता है, लेकिन कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कभी कभी ना जनरल इफेक्ट भी आता है. जनरल इफेक्ट मतलब क्या होता है? जैसे ही जो जनरल इफेक्ट है वो डिपेंड करता है इम्यून सिस्टम पे. जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई पर्टिकुलर टिश्यू को या पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट करता है तो अपना जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है कि हाँ भाई अब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, हमको लड़ना है इससे. मतलब अपनी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करे, इम्यून सिस्टम सही है, फंक्शन कर रहा है, पर जैसे ही कोई डिजीज फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है कि हाँ अब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है. अब ये एक्टिवेटेड इम्यून सिस्टम क्या करता है? अपने बॉडी के जितने भी सेल्स है ना वो सब उस टिश्यू पे भेज देते हैं कि जाओ अब वो टिश्यू पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठा है उससे लड़ो और उसको हराओ. समझ आया? एकदम जनरल सेंस में समझो कि से फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपने बॉडी में अलग अलग ऑर्गन से अलग अलग टिश्यू. जब कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गन या एक बॉडी को इफेक्ट करता है, एक ऑर्गन या एक टिश्यू को इफेक्ट करता है, तो क्या होता है? अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है कि हाँ अब कोई बीमारी फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है और वो इस टिश्यू को टारगेट कर रहा है. तो बॉडी क्या करती है? जितने भी सेल्स है ना मोस्ट ऑफ द सेल रिक्रूट कर लेता है उस टिश्यू पे. रिक्रूट मतलब अपॉइंट कर लेता है उस टिश्यू पे कि अभी जाके उस टिश्यू पे जाओ और वो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़के उसको हरा के आओ. मतलब उस टिश्यू में खुद के सेल्स तो होंगे लेकिन दूसरे सेल भी दूसरे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने लग जाते हैं. तो इससे कुछ लोकल इफेक्ट्स बॉडी में आते हैं, जैसे स्वेलिंग होने लगती है या तो पेन होने लगता है, या तो जनरल इफेक्ट होता है फीवर होने लगता है. जब भी कोई भी बीमारी शुरू फीवर हल्का हल्का चढ़ने लग ही जाता है. ये जनरल इफेक्ट है क्योंकि कभी कोई बीमारी हो रही है मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो अपने बॉडी के जितने भी सेल है उनसे लड़ने के लिए चले गए हैं. ठीक है, इससे जनरल इफेक्ट आता है. वापस ये पॉइंट समझा रही, इंपॉर्टेंट है. इसमें ऐसा बोला है कि जैसे कोई भी डिसीज फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आता है तो अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है कि हाँ अब इससे लड़ना है, कोई तो आया. ये एक्टिवेटेड इम्यून सिस्टम क्या करता है? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गन या एक टिश्यू को टारगेट करता है. ठीक है, तो बाकी के जो भी सेल्स है ना वो भी रिक्रूट हो जाते हैं. रिक्रूट मतलब अपॉइंट हो जाते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए. ठीक है, मतलब अपनी अपनी जगह से सब आ जाते हैं. अच्छा आप इसको टारगेट करो, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिलके मारना है. बॉडी में बाहर का कोई आया है तब सारे सेल मिलके उसको मारने में लग गए. तो इन वजह से कुछ जनरल इफेक्ट्स होते हैं, कुछ लोकल इफेक्ट्स होते हैं. लोकल इफेक्ट मतलब स्वेलिंग होने लगती है, अब पेन होने लगता है. जनरल इफेक्ट जैसे फीवर, तो ये सब है ना जनरल इफेक्ट होते हैं कि कोई भी इंफेक्शियस डिजीज होती है तो फीवर आने लगता है, पेन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है. ये क्यों होता है? क्योंकि सारे जो सेल्स है वो रिक्रूट हो गए हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए और इस पर्टिकुलर टिश्यू या पर्टिकुलर ऑर्गन को बचाने के लिए. ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी सारे सेल्स को रिक्रूट कर लेती है, मोस्ट ऑफ द सेल्स को रिक्रूट कर लेती है उस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन. समझ आया? ओके, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं कि
कोई पर्टिकुलर बीमारी, कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई टिश्यू को इफेक्ट करता है तो उसके जनरल इफेक्ट्स भी होते हैं। कैसे? जैसे सी फॉर एग्जांपल एड्स, एड्स जो है वो कौन से वायरस से होता है? एचआईवी वायरस से होता है। ये जो एड्स है, एचआईवी वायरस बॉडी में आया, अब उसने क्या किया, एचआईवी वायरस ने डायरेक्टली किस पे टारगेट किया? कोई ऑर्गन या कोई टिश्यू पे टारगेट नहीं किया, उसने डायरेक्टली टारगेट किया इम्यून सिस्टम पे। ये जो एच आई वी वायरस ने किस पे टारगेट किया? डायरेक्टली इम्यून सिस्टम पे, और पूरे इम्यून सिस्टम को ही वीक बना दिया। जैसे अपन पढ़ रहे हैं, सपोज ट्यूबरक्लोसिस फैलाने वाले बैक्टीरिया है, तो उन्होंने कहाँ पे टारगेट किया? लंग्स पे टारगेट किया, तो कफ हो रहा है, मतलब एकदम सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत खांसी आ रहा है, क्यों? क्योंकि टारगेट कहाँ है? लंग्स पे टारगेट है, समझ आ रहा है। लेकिन ये जो एच आई वी का वायरस है, जो एच आई वी वायरस है, वो डायरेक्टली किसको टारगेट करता है? कोई पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर टिश्यू को नहीं, वो डायरेक्ट टारगेट करता है इम्यून सिस्टम पे। मतलब जैसे ही एच आई वी वायरस बॉडी में आया, तो उसने अपने इम्यून सिस्टम को टारगेट करके इम्यून सिस्टम को एकदम वीक बना लिया, उसकी फंक्शनिंग खराब कर दी। अब इम्यून सिस्टम खराब, मतलब एच आई वी वायरस बॉडी में घुसा और उसी वक्त इंसान मर गया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि एच आई वी वायरस घुसा तो उसने क्या किया, इम्यून सिस्टम वीक कर लिया। अब जिसके भी बॉडी में एच आई वी वायरस है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया। अब इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो क्या हो, चलता है ना? नहीं, वही तो सबसे बड़ा कैच है। बिकॉज जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो क्या होता है, कोई भी दूसरी बीमारियां हो रही है तो उसका असर बहुत सीवियर होता है, बिकॉज इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। अब वो अपना इम्यून सिस्टम दूसरी छोटी छोटी बीमारियों से भी लड़ नहीं पा रहा, और इन छोटी छोटी बीमारियों से हार जाने के कारण इतना डेंजरस हो जाता है कि इंसान की डेथ भी हो जाती है। वापस मैं समझा रही हूँ। अब नॉर्मली कोई ऐसा इंसान है जो एकदम फिट एंड फाइन है, उसको इतनी कोई बीमारी है नहीं, उसका इम्यून सिस्टम भी अच्छा है, और उसको माइनर कफ हो गया तो दो तीन दिन में रिकवर हो जाता है, कफ हुआ है ठीक है, या कुछ मतलब कुछ गट में कुछ चले गया, कुछ भी रिकवर हो जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, उसकी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उससे लड़ लिया और नहीं, ही इज फिट एंड फाइन बिकॉज उसका इम्यून सिस्टम अच्छा था। एच आई वी वायरस के केस में क्या होता है, ये जो एच आई वी का वायरस होता है वो बॉडी में आके क्या करता है, डायरेक्टली इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है, इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, इम्यून सिस्टम को वो वीक बना देता है। अब इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग रोक देता है, तो जैसे ही एच आई वी का वायरस एंटर हुआ तो इमीडिएटली आपको बॉडी में कोई इफेक्ट फील नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। अब इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो क्या हुआ, जो छोटी छोटी दूसरी बीमारी ना, उससे भी बॉडी लड़ नहीं पाती, बिकॉज उनका तो इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाता है। मतलब सिंपल सा काफी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, और ये इतनी छोटी छोटी बीमारियां आके बॉडी को डैमेज करके उस इंसान की डेथ भी हो सकती है, समझ आया? जैसे एक सिंपल सा कफ भी एक एच आई वी पॉजिटिव पर्सन के लिए निमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि जो एच आई वी पॉजिटिव पर्सन है उसका इम्यून सिस्टम वीक है, तो वो कफ से भी लड़ नहीं पा रहा, और कफ जैसी छोटी बीमारी में निमोनिया जैसी बड़ी बीमारी में फैल सकती है। सिमिलरली गट इन्फेक्शन हुआ है, वो गट इन्फेक्शन भी डायरिया का या तो ब्लड लॉस, मतलब ऐसा हो सकता है जो एच आई वी पॉजिटिव पर्सन है उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो गया कि एक सिंपल सा गट इन्फेक्शन में भी डायरिया अलॉन्ग विद द ब्लड निकल रहा है, ठीक है। और इफ दिस इन्फेक्शन इट इज दीज अदर इन्फेक्शन दैट किल द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स, मतलब और ये जो छोटे छोटे दूसरे इन्फेक्शन है ना, वही उस इंसान को मार देते हैं, उस इंसान की उस रीजन से डेथ होती है, ना कि इससे डेथ होती है क्योंकि एच आई वी वायरस है। एच आई वी वायरस इसलिए डेंजरस है बिकॉज वो इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, और जब इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है तो हर छोटा छोटा इन्फेक्शन से ह्यूमन बॉडी लड़ नहीं पाती, और इट लीड्स टू डेथ, समझ आ? ओके, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि सीवियरिटी ऑफ डिजीज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स एंटरिंग इन अवर बॉडी। एक बीमारी कितनी सीवियर होने वाली है वो डिपेंड करता है कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। एक नंबर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम एंटर कर रहे, अगर नंबर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत कम है तो डिजीज का असर माइनर हो गया, ना के बराबर, अननोटिस की पता नहीं चलेगा, खुद ही ठीक हो जाओगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करे वो कैसे बहुत कम है। लेकिन अगर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी में एंटर करे वो ज्यादा है तो बीमारी बहुत सीवियर हो सकती है, मीन लाइफ थ्रेटनिंग, जान पे भी खतरा आ सकता है। तो डिजीज कितनी सीवियर है, उसकी जो सेवेरिटी कैसी है, उसकी सीवियरिटी कितनी है, वो डिपेंड इस पे भी करता है कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हो रहे। अगर ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम नंबर में बॉडी में एंटर हुए तो अगर ये कम नंबर में एंटर हुए तो मे बी जो बीमारी का इफेक्ट है वो एकदम माइनर और बहुत जल्दी रिकवर हो जाए। लेकिन अगर जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा नंबर में बॉडी में एंटर हो गए तो मे बी बीमारी बहुत डेंजरस हो जाए, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाए।
ओके, तो इम्यून सिस्टम डिसाइड करता है कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर कर रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं। मे बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा एंटर भी करे, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपने मार दिया, वहां पे रहने दिया, तो भी आप जल्दी रिकवर हो सकते। तो बेसिकली इम्यून सिस्टम कैसा है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर? ओके, तो बेसिकली अभी अपन ने ये पढ़ा कि ऑर्गन स्पेसिफिक या टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट के अलावा बीमारियों के जनरल इफेक्ट्स भी होते हैं। वो जनरल इफेक्ट क्यों होते हैं अपन ने इसलिए पढ़ा कि जब भी कोई डिजीज फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है एक पर्टिकुलर टिश्यू पे, तो बाकी सारे सेल्स भी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए रिक्रूट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। और इस प्रोसेस के दौरान पेन, स्वेलिंग, फीवर जैसे कॉमन इफेक्ट्स होते हैं। फिर अपन ने ये बात पढ़ी कि कुछ कुछ ऐसे इफेक्ट्स है डिजीज के जो इतने जनरल है लेकिन स्टिल डेंजरस है, जैसा एड्स का एग्जांपल। जब एड्स का वायरस दैट इज एचआईवी बॉडी में एंटर होता है तो डायरेक्टली इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है इसलिए बॉडी दूसरे इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाती। एक कॉमन कोल्ड भी निमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है, एक सिंपल गट इन्फेक्शन भी डायरिया विद ब्लड लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। और ये इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाने के कारण इंसान की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद अपन ने ये पढ़ा कि बीमारी कितनी सीवियर है वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करे। अगर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में एंटर करे वो बहुत ज्यादा बहुत कम है तो बीमारी का इफेक्ट मे बी माइनर हो, और अगर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में एंटर करे वो बहुत ज्यादा है तो मे बी बीमारी का इफेक्ट कैसा हो सकता है मेजर। राइट? ओके, तो अभी अपन इतना कंप्लीट किया, मैं एक बार बोर्ड से गो थ्रू करवा लेती हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना। राइट? Addition to the tissue specific effect of infectious disease, there will be other common effect too. Most of these common effect depends upon the fact that the body's immune system is activated in response to infection. An active immune system recruit many cells to the affected tissue to kill off the disease causing microorganism, aur ye jo recruitment process usko inflammation bolte hain. As a part of this process, there are local effects such as swelling, pain, general effects such as fever. In some cases, tissue specificity of infection leads to very general seeming effect. Example, in HIV infection, virus goes to immune system and damages function. HIV infection mein directly virus ka jata immune system mein aur usko damage karta hai. Thus, many of the effects of HIV are because body cannot find the minor infection. Even a small cold can become a pneumonia and even a minor gut infection can cause diarrhea with a blood loss. Ultimately, it is these infections that kill people suffering from AIDS. It is important to remember that severity of disease depends upon the number of microbes in our body. If the number of microbes is small, disease manifestation minor hoga, and if the number of microorganisms large hai, to disease life-threatening bhi ho sakti hai. ओके, इम्यून सिस्टम इज अ मेजर फैक्टर जो डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ माइक्रोब सर्वाइविंग इन द बॉडी। राइट? ओके, एक बार इसकी नोट्स बनाओ। ओके, तो बेसिकली आज अपन ने ये पढ़ा कौन से टिश्यू या कौन से ऑर्गन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म टारगेट करता है। अपन ने ये पढ़ा कोई भी बीमारी का साइन या सिम्टम पता चल जाता है अगर अपन को ये पता हो कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गन को टारगेट कर रहा है। फिर अपन ने इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ा और अपन ने ये भी पढ़ा HIV जो है वो कैसे पर्सन को किल करता है, और अपन ने ये भी पढ़ा कि डिजीज कितनी सीवियर है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में एंटर कर रहे हैं। राइट? तो अपना आज का लेक्चर इधर ही एंड करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। गुड बाय।